नमस्कार दोस्तों दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, कोई भी शिक्षक भर्ती हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आज हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों ऐसे पर्सन जो एग्जामों के अंदर आपको कंफ्यूज करते हैं, जो बार बार एग्जामों के अंदर आते हैं और सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं एग्जामों के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को चाहे आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, सीटेट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट एग्जाम जो होनी है, रीट एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास में आए तो इस क्लास को अंत तक देखें। और साथ में आपको एक काम करना है, वो करना है कम से कम अपने 5 मित्रों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 50 पर्सन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अधिगम की विशेषताएं हैं अनुकूलन, अनुभवों का संगठन और उद्देश्यपूर्ण। तीनों की तीनों अधिगम की विशेषताएं हैं तो सभी द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक निम्न में से है, सार्कोजे ने अनाफ्राइड या सिगमंड फ्राइड। असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड है दोस्तों, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिगमंड फ्राइड की जीवन अवधि है, सिगमंड फ्राइड की जीवन अवधि 4 ऑप्शन और हमें जीवन अवधि पूछी है सिगमंड फ्राइड की, तो सही यहां पे रहेगा ये स ऑप्शन, 1856 से लेकर 1939 तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया दोस्तों? फ्रेजे मेसमर, सिगमंड फ्राइड, जिनेम सार्को, जॉन एच जैक्सन। तो क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया, किसने किया था? फ्रेंज ए मेसमर ने दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति इतिहास विधि उपयोगी है बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के अध्ययन के लिए। जो व्यक्ति इतिहास विधि है वो किससे जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन दिया गया आपको यहां पे, इनमें से आपका ए ऑप्शन देखिए, बच्चों के समस्यात्मक जो व्यवहार है उनके अध्ययन के लिए दोस्तों, ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, नहीं असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण आंशिक दमन है दोस्तों, क्या है? आंशिक दमन। असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण पूछा है तो क्या रहेगा? आंशिक दमन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यक्ति ने कहा कि निंद्रा का अभिभावक शौंपन है? निंद्रा का अभिभावक शौंपन है, ये किसने कहा? किसने कहा था? फ्राइड ने दोस्तों। निंद्रा का अभिभावक कौन है? शौंपन दोस्तों, फ्राइड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, एक युवक प्रेम के क्षेत्र में विफल होकर कविता के क्षेत्र में रुचि लेने लगता है, वह सफल कवि बन जाता है, निराशा के इस समाधान में सक्रिय है, क्या है? प्रेम में तो विफल हो गया लेकिन कविता के क्षेत्र में सफल कवि बन गया, क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा मन का गत्यात्मक पक्ष है? फ्राइड के अनुसार कौन सा है जो मन का गत्यात्मक पक्ष है दोस्तों? व्यक्तिगत अचेतन, जातीय अचेतन, लिबिडो या कोई नहीं? देखिए फ्राइड के अनुसार मन का गत्यात्मक तीनों ही नहीं है, ये कोई नहीं, द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, इगो निम्न में से किस नियम या सिद्धांत पर कार्यरत रहता है? सुख के सिद्धांत, वास्तविकता के सिद्धांत या नैतिकता के नियम? इगो कौन सा नियम या सिद्धांत पर कार्यरत रहता है दोस्तों? वास्तविकता के सिद्धांत पर, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म के समय बच्चे में पाया जाता है इड इगो या सुपर इगो? जन्म के समय बच्चे के अंदर इड पाया जाता है दोस्तों, क्या?
इड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित व्यक्तित्व संगठकों में से कौन एक संगठक शेष तीन संगठकों की सेवा करता है? लिबिडो, इड, इगो, सुपर इगो। चार संगठक दिए गए हैं, ऐसा एक संगठन है जो तीन की सेवा करता है और वो है आपका इगो दोस्तों। कौन सा है? इगो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सुपर इगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुद्धावस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेन्द्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था? सुपर इगो का विकास कौन सी मनोलैंगिक अवस्था में? अव्यक्त अवस्था के अंदर दोस्तों। ब ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं? 8, 6, 7, 9। देखिए बात इरिक्सन के अनुसार कर रहे हैं। इरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। कितनी बताई है? 8 अवस्थाएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इगो संरचना का अर्थ है, इगो क्या अर्थ होता है? अहम शक्ति, अहम समष्टि, अहम अखंडता या कोई नहीं? इगो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, कोई नहीं, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए, इगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, इगो मनोग्रंथि, इगो सिंटोनिक। इगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? इगो लिबिडो का आत्म प्रेम होता है दोस्तों। क्या होता है? आत्म प्रेम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस मनोरचना द्वारा अवांछनीय इच्छा का रूपांतरण विपरीत इच्छा में हो जाता है? किस मनोरचना के द्वारा जो अवांछनीय इच्छा है उसका रूपांतरण विपरीत इच्छा में हो जाता है दोस्तों? रूपांतरण, विस्थापीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण या प्रक्षेपण? अवांछनीय इच्छा का रूपांतरण विपरीत इच्छा में, प्रतिक्रिया निर्माण में दोस्तों। सह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित मनोरचनाओं में से कौन मनोविदलता के विकास में सक्रिय रहती है? मनोविदलता के विकास में देखिए, प्रतिक्रिया निर्माण नहीं, प्रतिगमन दोस्तों। मनोविदलता के विकास में सक्रिय रहेगी प्रतिगमन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन गौण मनोरचना है? इनमें से गौण मनोरचना आत्मीकरण, प्रतिगमन, उक्त्याभ्यास, प्रतिक्रिया निर्माण? आत्मीकरण है। गौण मनोरचना कौन सी है? आत्मीकरण दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 उठाइए, जीवन शैली को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? बुहलर, जेने, एडलर, सुलिवान। जीवन शैली को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? इनमें से सही नाम, सुना हुआ नाम एडलर है, तो एडलर ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है? प्रतिरक्षा मनोरचना इनमें से कौन सी है दोस्तों? दमन, दलन, प्रक्षेपण या सभी? प्रक्षेपण है आपकी। प्रतिरक्षा मनोरचना कौन सी है? प्रक्षेपण। सह वाली। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है? इनमें से प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, पलायन या दमन? प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है, कौन सी नहीं है? पलायन वाली नहीं है दोस्तों। कौन सी? पलायन वाली। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा है? मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा? मनोविश्लेषण, व्यवहार, रासायनिक या पुनर्वास? पुनर्वास है दोस्तों। जो मानसिक दुर्बल बालक है उनके लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा होती है पुनर्वास चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 24, तनावहीनता चिकित्सा कैसे रोगी के लिए उपयोगी है? तनावहीनता जो चिकित्सा है वो कैसे रोगी के लिए उपयोगी होती है? तनावहीनता चिकित्सा, तनाव अंतर्मुखी चीज है ये, तो अंतर्मुखी के लिए, अंतर्मुखी रोगी होता है उसके लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, किसी शायर ने कहा, तऊ पे दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है, इसमें कौन सी मनोरचना सक्रिय है दोस्तों? कौन सी है? प्रतिगमन वाली।
कौन सी मनोरचना है यहां पे, प्रतिगमन वाली। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है। फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन है जो रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है, थेनेटोस, इरोज, लिबिडो या सभी। थेनेटोस है दोस्तों, कौन है, थेनेटोस। क्वेश्चन नंबर 27, किस व्यक्ति ने कहा कि हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, किस व्यक्ति ने कहा, इरिक्सन, सुलिवान, यूंग या कोई नहीं। कभी सुनिए कि ऐसी बात किसी ने नहीं कहा, कोई नहीं, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक की रचयिता है, हिलगार्ड है, वॉटसन है, थोरनडाइक है या जेम्स। थ्योरीज ऑफ लर्निंग कौन है इसके, हिलगार्ड दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 29, पके हुए आमु या मिष्ठान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है, यहां पे कौन सा सिद्धांत काम में कर रहा है, सूज का, प्रबलन का, प्रयास का, संबंध सहज क्रिया का। पके हुए आमु से संबंध और क्रिया मोह में पानी आना, मतलब संबंध सहज क्रिया दोस्तों, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो कार्य हम बहुत समय तक नहीं करेंगे उसे भूल जाएंगे, तत्परता का नहीं, अनुपयोग का नियम, क्या कहते हैं इसे, अनुपयोग का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था, स्किनर, नॉर्मन क्राउंडर ने, जॉन डीवी, विलियम पैट्रिक या डेविड वारविक। अभिकर्मित अनुदेशन कौन है इसके जनक, अभिकर्मित अनुदेशन के, बीएफ स्किनर और काउडर, नॉर्मन काउडर दोस्तों, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। चलिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, आप बताइए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में ला रहना, चलना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में या उपरोक्त सभी। देखिए कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है, कुछ सीखा है, सीखा है किसमें, देखिए हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, जब बालक पहली बार कक्षा में जाएगा तो हाथ जोड़ के नहीं करेगा, लेकिन वो सीखेगा जब उसको बताया जाएगा, मतलब यहां पर अधिगम हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजू खरगोश से डरता है, शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया, आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश व राजू की दूरी कम कर दी गई, अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया व राजू खेलने लगा। खरगोश के साथ ये प्रयोग उदाहरण है, प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या सभी। किसका है दोस्तों, यहां पर अनुबंधन कराया जा रहा है खरगोश का और राजू का, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये, यहां पे लागू हो रहा है, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 34 है, शिक्षक बालक को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है, पुस्तक से, प्रेरणा से, विद्यालय से या कार्य से। एक शिक्षक बालक को नया ज्ञान है वो ग्रहण करने के लिए तैयार किसके द्वारा कर सकता है, अभी प्रेरणा पढ़ा आपने तो प्रेरणा से दोस्तों, ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है, पुस्तक, प्रेरणा, विद्यालय या कार्य। सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या बनाती है, प्रेरणा बनाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एक अध्यापक ने विद्यार्थी को आई हैव गोन लिखने का 100 बार अभ्यास कराया, अभ्यास पूरा होने के बाद अध्यापक के चले जाने के बाद विद्यार्थी आई हैव राइट, आई हैव रिटन, आई हैव गोन 100 times एंड सिंस यू आर नोट होर आई हैव वेंट होम, लिख कर चला गया। किस नियम के प्रतिकूल असर को दर्शा रहा है, बताइए, अभ्यास, बहु प्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया या कोई नहीं। अध्यापक ने क्या कहा है, आई हैव गोन लिखिए, मतलब 100 बार लिखिए, मतलब अभ्यास कीजिए, और यहां पे प्रतिकूल असर किसके पड़ेगा, फिर अभ्यास के नियम के ही पड़ेगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, 20वीं सदी पर अमेरिकी शिक्षा पर किस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा, संबंध प्रतिक्रिया, सूज सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत।
20वीं सदी पर अमेरिका शिक्षा पर किस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा? प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित? आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, उपयोग या मनोवृत्ति, बताइए। अंश से पूर्ण कौन सा नियम? आंशिक क्रिया का नियम दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 39, भोजन एक उद्दीपक है तो लार एक है, स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया, कृत्रिम क्रिया या स्वाद? भोजन, हम भूखे हैं, भोजन दिखेगा तो स्वाभाविक है कि मुंह में लार आएगी, मतलब क्या है, स्वाभाविक क्रिया है ये आपकी। बिना भोजन, जैसे घंटी बजाई जाती है, भोजन नहीं दिया जाता फिर भी लार आए, वो अस्वाभाविक होगा। क्वेश्चन 40, संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध है रसायन, शरीर, भौतिक या काम शास्त्र, किससे दोस्तों? संबंध सहज क्रिया किससे? शरीर विज्ञान से दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से टॉप क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, थोरनडाइक के सीखने के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद, प्रयत्न व भूल सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत या सभी? थोरनडाइक के सीखने का जो सिद्धांत है उसको हम अन्य किस नाम से, संबंधवाद, प्रयत्न भूल, उद्दीपन प्रतिक्रिया, तीनों नाम से जानते हैं? सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, हल्का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। हल्का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये कथन किसका? स्किनर, थोरनडाइक, पावलोव या कोहलर? ये अटके क्वेश्चन आया आपके लिए, ये स्किनर का कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, सूज के सिद्धांत को कहा जाता है विक्राकृति, समग्राकृति, विशालाकृति या संकीर्ण आकृति? सूज के सिद्धांत को किस नाम से? समग्राकृति के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्दाहीमर कोप का तथा कोहलर का किस देश से संबंध है? जर्मनी, जापान, इटली या युगांडा? वर्दाहीमर कोप का कोहलर, ये जर्मनी से है दोस्तों इनका संबंध, किससे है? जर्मनी से। क्वेश्चन 45 है, सूज वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, एक लाइन में सब कुछ बताया गया है। सूज वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, किससे संबंधित है? गुड, जेम्स, कोहलर या वाटसन? किससे? गुड से संबंधित है दोस्तों ये। क्वेश्चन 46 है, कोहलर ने किस पर प्रयोग कर सिद्धांत को प्रमाणिकता प्रदान की? किस पर किया था? वनमानुष पर, तो यह रहा आपका वनमानुष दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक यानी मानवतावादी जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वाटसन ने नहीं, कार्ल्स रोजर्स ने दिया था, कार्ल्स रोजर्स ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक है रोजर्स, थोरनडाइक, बागले या वर्दीमर? समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थोरनडाइक दोस्तों, हटके क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन 49, अधिगम तीव्र गति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो, स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वप्रेरणा या काठिन्य? अधिगम तीव्र गति से हो सकता है अगर बालक स्वप्रेरणा से प्रेरित हो। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किसका किया जाना चाहिए? ब्लैक बोर्ड, नवाचार, दंड या कंप्यूटर? नवाचारों का दोस्तों, ब ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये थे 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अटके क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी इस क्लास के बाद कमेंट ये चाहता हूं मैं सिर्फ आपसे, आपका स्कोर मैं नहीं पूछूंगा, क्लास कैसी लगी ये नहीं पूछूंगा, पसंद आई है तो ये बता देना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के आपके सामने लेकर आएंगे, बस ये क्लास ही बताएगी। जितने छात्र कमेंट करेंगे, जितने लाइक व्यूज मिलेंगे उसकी के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।